बिस्मिल्ला रहा है जी कैफ टू लेक्चर फोर्टी सेवन इस्लामाबाद में इंटरनेट आ रहा है आज अच्छा इस्लामाबाद वाले भी लेक्चर अटेंड करें भाई अच्छा चकवाल चले जाएं कहीं जेलम चले जाएं कहीं चले जाएं बस क्लासें ना छोड़ें क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अच्छा जी हमने आ, तुम्हें याद हो कि ना याद हो हमने टैक्स निकाल लिया था कल ठीक है जी अब हमने क्या करना है अब हमने नोमेरिकल के फॉर्मेट के पास जाना है और नोमेरिकल के फॉर्मेट के साथ हमने इस तरह चिमट जाना है जिस तरह शहद की मक्खी सूरजमुखी के पता नहीं सूरजमुखी के फूल को लिफ्ट कराती भी है यानी अपनी तरफ से भरी जाने अच्छा नोमेरिकल का फॉर्मेट सारे बबलू पेज 452 फिफ्टी टू निकाल लें अच्छा जी क्या हमारा ग्रॉस टैक्स कल निकल आया था अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम ये बिल्कुल अच्छा ये जो है ना फुल टाइम टीचर अलाउंस फुल टाइम टीचर अलाउंस ये भी एक टैक्स क्रेडिट है ये भी एक टैक्स क्रेडिट है ये आप लोगों ने ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले माइनस करना है तो अब तरतीब सुन लें आज सबसे पहले टैक्स आएगा चैप्टर फोर में जाके फिर आप फुल टाइम टीचर अलाउंस का टैक्स रेट माइनस करेंगे फिर फॉरन टैक्स रेट माइनस करेंगे फिर 61 टू 63 का माइनस करेंगे लेकिन ये फुल टाइम टीचर अलाउंस को इतना इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट नहीं है कि मैं इसे फॉर्मेट में डालता लेकिन अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर लें घर में जाके फिर शो करना मुनासिब नहीं होता इधर सबके सामने इधर ही शो कर लें फुल टाइम टीचर अलाउंस आप किस क्लास में लोड़ लो सुबह वाली मैं ऐसे में क्या करो ना नहीं 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 ये आइंदा ना ऐसा करना भाई जो जिस क्लास में है वो उसी क्लास में आया करें फुल टाइम टीचर अलाउंस डन हो गया तो पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस माइनस करें फिर फॉरन टैक्स रेट माइनस करें फिर सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री का टैक्स रेट माइनस करें अच्छा अब मुझे बता दें जी इस सवाल में फॉरन टैक्स रेट है है या नहीं है गुड इस सवाल में एक ही दफा जगह बनवा दें एक ही दफा फिर एंड तक मसला होता रहेगा इधर भी ये बैग थोड़ा सा ना उधर करवा के एक स्टूडेंट की जगह बनवा दें बस ठीक है अच्छा जी पहले क्या माइनस करेंगे फॉरन टैक्स क्रेडिट नहीं पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस फिर फॉरन टैक्स क्रेडिट ना चैरिटी ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है ना सुकूक सु करें तो 61 वन टू सिक्सटी थ्री फारिग हो गया इसके बाद आपका नेट टैक्स आ जाएगा एन का आएगा बिल्कुल आएगा इसके बाद आप सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड करेंगे माना कि उसकी इनकम नहीं थी बल्कि लॉस था इसके बाद आप डिस्पोजल ऑफ रिमोवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करेंगे वो जो एक फैसला बाद और पता नहीं कराची वाला को बेचा था आपने दर बदर को भी उनके दर अच्छा उसके बाद आप फाइनल टैक्स को लिफ्ट नहीं कराएंगे क्योंकि डिविडेंड वगैरह इस सवाल में है नहीं और इसके बाद आपका टोटल टैक्स आ जाएगा टोटल टैक्स में से डिविडेंड वगैरह का माइनस नहीं करना आपने एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा हुआ वो आपने माइनस करना है कोई टैक्स रेट डिसव हो नहीं रहा ये टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट नहीं तो ये मोटी मोटी कोई तीन चार चीजें हैं हमारी जो सवाल के अंदर कल रह गई थी तो लेट्स स्टार्ट विद फुल टाइम टीचर अडाउंस ये इनका सीक्वेंस यही रखना जरूरी है सीक्वेंस यही रखना जरूरी है क्योंकि इनके सीक्वेंस के लिए अलग क्लासेस नहीं होंगी ओके okay, ऐसी मेरा थोड़ा है इसलिए मैं कर देता हूं अच्छा तो हाउ ही इज फुल टाइम टीचर अलाउंस बिकॉज ही इज वर्किंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्यूली रिक्गोनाइज हायर एजुकेशन कमीशन तो फुल टाइम टीचर अलाउंस है सारे इनकम हिम द टैक्स ऑन सैलरी भाई हाइब्रिड वाले आप उनको कह तो रहे हैं साइड पे हो जाओ लेकिन कल से आप टाइम पे आए तो ये लोग डिस्टर्ब ना हो इंशाल्लाह नियत कर लें कल से टाइम पे आने की जी लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस और ये अलाउंस नहीं है असल में ये अलाउंस ऐसा ही लफ्स है ये टैक्स क्रेडिट है अच्छा आपको शायद दो बातें याद हो मैंने कहा था कि जब फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालना होगा तो आपने दो दफा टेबल में जाना है तो इसका मतलब है एक दफा टेबल में चलेंगे दूसरी दफा जाने और एक और बात किसी को याद हो और टेबल टू सिर्फ देखते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालते हुए क्योंकि टैक्स सिर्फ सैलरी पे निकालना है हैं तो सैलरी कितनी थी कल फोर जीरो फोर फाइव ट्रिपल जीरो इसको जाके टेबल टू में देखें जी फोर जीरो ट्रिपल जीरो बता दें कि सीरियल में आ रहा है इधर आगे, 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 तीन लाख सत्तर हजार जमा बीस परसेंट ऑफ अमाउंट एक्सडिंग पैतीस लाख बट मैंने किसको देखा सिर्फ जाके सैलरी को जी तीन लाख सत्तर हजार जमा ट्वेंटी जीरो फोर फाइव ट्रिपल जीरो कैसे आया फोर जीरो फोर फाइव ट्रिपल जीरो माइनस आगे जाओ आगे आज फोर जीरो फोर फाइव ट्रिपल जीरो माइनस पैंतीस लाख की है क्लार? क्या क्या जवाब आया सैलरी पर टैक्स है या ये सैलरी पर टैक्स जो माफ होने वो है जो माफ होने वो नहीं है ये सैलरी पर टैक्स है इसका कितने परसेंट माफ करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट माफ करना है आप इसको बड़ी ब्रैकेट में लें और ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाए आप बता दें ट्वेंटी फाइव परसेंट लगा के कितना आया डबल वन फाइव डबल वन नाइन सेवन फाइव जीरो टैक्स सिस्टम माफ हो गया जब आप बता दें क्या आ रहा है टैक्स क्रेडिट देने के बाद डबल टू डबल फाइव सेवन जो इस इधर आज अब मोहतरम सवाल ये राइज होता है कि नोमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जुड़ के मुझे बताएं कि अगला कौन सा टैक्स हमने माफ करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट या सिक्सटी वन टू सिक्सटी थ्री फॉरेन टैक्स क्रेडिट जी फॉरन इनकम कितनी है ट्रिपल सेवन नाइन वन थ्री फॉरन टैक्स कितना है सिक्स डबल टू डबल थ्री फॉरन इनकम भी मिल गई हमें फॉरन टैक्स भी मिल गया फॉरन इनकम तो कल हमने यहां डाल दी थी अब फॉरन टैक्स क्रेडिट माइनस करना है लेस फॉरन टैक्स क्रेडिट ऑफ अच्छा दो चीजों में से लोअर ऑफ लेना है एक वो जो बाहर के मुल्क में आपने फिजिकली जाकर टैक्स जमा करवाया वो या फिर जो पाकिस्तान में इस इनकम पे टैक्स बनता है वो दोनों में से जो लोअर है बता दें कि फॉरेन कंट्री में जाके आपने कितना टैक्स जमा करवाया सिक्स डबल टू डबल थ्री अच्छा अब पाकिस्तान वाला टैक्स कैसे निकालना है वो बेहतर है कि आपने जब जी टैक्स रेट माइनस कर दिया तो इसी फिगर को पकड़े डबल टू एट डबल फाइव सेवन अगर मेरा टैक्स है थ्री थ्री सेवन सिक्स जीरो थ्री नाइन पे तो बताओ कि मेरा फॉरेन इनकम पर कितना टैक्स है तो बताओ मेरा फॉरेन इनकम पे कितना टैक्स है।, तो है जी बताएं फाइव टू डबल सिक्स फाइव चलें चलेंगे. इन दोनों में से लोअर कौन से फाइव टू डबल सिक्स आपने कैलेटर नहीं पकड़ा हुआ नहीं है मैं मंगवाऊ कैलेटर आपका मंगवा दू कैलेटर मंगवा दू एक आपको कहना देना मंगवा दें <laughs> जी दोनों में से लोर फाइव टू डबल सिक्स फाइव तो बोलें पहले क्या माइनस किया करना है फुल टाइम टीचर अलाउंस फिर क्या माइनस करना है फॉरन टैक्स क्रेडिट और फिर क्या माइनस करना है सेक्शन सिक्सटी वन से सिक्सटी थ्री वाला टैक्स जब आप बता दें वन सेवन फाइव एट नाइन टू ये मुझे जरा बताइए कि जो वन सेवन फाइव एट नाइन टू आ रहा है ये जो आपका टैक्स आ रहा है ये टैक्स आपका फॉरन टैक्स क्रेडिट और फुल टाइम टीचर ला उसके बाद वाला है yes, क्या अभी तक सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम्स में हमने टैक्स लगाया या नहीं लगाया yeah, 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 yeah. इसका मतलब है ये टैक्स स्टिल नॉर्मल रिजीम वाला है ये स्टिल नॉर्मल रिजीम वाला है ये वाला टैक्स था ग्रॉस टैक्स अंडर नॉर्मल रिजीम और ये है नेट टैक्स बट स्टिल इट इज अंडर नॉर्मल रिजीम जी बता दें के कितना है वन सेवन फाइव एट नाइन टू अब नमेरिकल के फॉर्मेट पे जाके देखते हैं आगे वो क्या चाहता है आगे वो चाहता है कि हम सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज पे टैक्स निकालें और इमोवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स निकालें सिक्योरिटीज पे और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटीज की तो इनकम नहीं थी लॉस था और लॉस की वजह से इस पे टैक्स बनता नहीं लेकिन आपने लिखना है तो लिखने कोई मसला नहीं एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक टैक्स ऑन टैक्स ऑन डिपोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इमोवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स इमोवेबल प्रॉपर्टी को आपने इस इज्त से क्यों निकाला था क्योंकि इसका डिफरेंट रेट था इसका डिफरेंट रेट था तो इमोवेबल प्रॉपर्टी का रेट देखने के लिए अब हम कहाँ जाएंगे कैपिटल गेम के चैप्टर में चैप्टर टेन में डबल टू एट पे जी कल इनकम निकलाई थी टैक्स निकालने वाला रह गया था तो टैक्स बताएं वेयर गेन डज नॉट एक्सी फाइव मिलियन कितने परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तो सेवन लैख फिफ्टी टेबल पेपर में गिवन होंगे सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू साढ़े तीन परसेंट टू सिक्स टू फाइव जीरो अब अगर इन दोनों का सब टोटल करने कर लें वैसे कोई खास ज़रूरी नहीं है इन दोनों का सब टोटल का मतलब है कि सेपरेट ब्लॉक पर टैक्स कितना बना है जी देखो भाई आप लेट आए हो बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हो चलो आप बैठो जो भी है ओके जी अब आप मुझे ये बता दें अब जो लेट आने वाले हजरात हैं फर्स्ट रो से आया करें और अपने जूते उतार के सेकेंड और थर्ड रो में सीटों पर चलते हुए बैठ जाया करें मुझे यही हाल नज़र आ रहा है अब दूसरी क्लास में ताकि लेट आने वाले डिस्टर्ब ना करें पहले आने वालों को जी वन सेवन फाइव एट नाइन ना टू जमा टू सिक्स टू फाइव जीरो टू जीरो टू वन फोर टू वन असल में जो मेरा टैक्स बनाए ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का था और ये सेपरेट ब्लॉक का था इन दोनों को जमा कर दें तो इसका नाम होगा टोटल टैक्स वैसे मेरी खास घर में आप लोगों ने कर लिया होगा कल कर लिया था टोटल टैक्स लाइबिलिटी इसमें नॉर्मल रिजीम भी है सेपरेट ब्लॉक का टैक्स भी है और डिविडेंड पे टैक्स हमारा बनता नहीं था इसलिए वो है ही नहीं आगे बोले क्या लिखा लिख पागल के फॉर्मेट पे देखें ना आगे क्या है टोटल तो टैक्स निकला है लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी ताकि टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट निकला है तो टैक्स डिडक्टेड ना सैलरी बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है सैलरी पे वो कल हमने छोड़ा हुआ था जो हमने सोचा था एंड पे माइनस करेंगे वो था वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो नोमेरिकल का फॉर्मेट ना यहाँ से आगे आपको गवर्न किया करेगा क्योंकि तो यहां से आगे मल्टीपल चीजें आती हैं काफी सारी चीजें तो नोमेरिकल का फॉर्मेट आपको गवर्न किया करेगा लेस टैक्स डिडक्टेड बाय नहीं पेड का लफ नहीं बोलना एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे नहीं किया सैलरी से काट के पे किया कितना तो अब अगर जवाब नेगेटिव में आएगा तो ये रिफंडेबल होगा लेकिन जवाब अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये रिफंडेबल नहीं होगा बल्कि ये पेएबल टू तो गवर्नमेंट होगा जी पेबल टू तो गवर्नमेंट फोर टू तो वन फोर टू डन चले यहाँ तक नोट कर लें जी नोमरिकल कितने टाइम में सॉल्व करने हैं अभी तो जहरी बात है आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ऑब्वियसली अगर 20 नंबर का नोमेरिकल है तो 20 को आप मल्टीप्लाई करो 1.8 से तो कितना आ रहा है 20 इंटू वन पॉइंट एट थर्टी मिनट में हो जाना चाहिए ओके okay. चले जी आगे उधर ही रखा है उधर रखो कैमरा तस्वीर लेने आप जिन्होंने तस्वीर लेनी है जो लेट आए हैं अच्छा जी नाउ कम बैक ऑन डिवेंट डेफिनेशन डिविडेंट के डेफिनेशन पर वापस आ जाए चैप्टर नंबर फाइव अब तो आप शिक्वा नहीं करेंगे ना कि सैटर्डे के टेस्ट के अंदर नोमेरिकल आ गया और हमें नुमेरिकल करने आते नहीं थे ओके okay. अब मैं शिकवा करूँगा कि नोमेरिकल आ गया नंबर नहीं आए अगर ना आए चलिए डिविडेंट की डेफिनेशन रिवाइज करें जी डिविडेंड की डेफिनेशन रिवाइज करें डिविडेंड एनी बांटना बाय कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी ने प्रॉफिट्स बांटे और कंपनी के पास से क्या चला गया कैश पॉइंट बी कंपनी ने प्रॉफिट्स बांटे और कंपनी ने उधार कर लिया पैसा कंपनी के पास से पैसे नहीं गए पॉइंट सी कंपनी ने सोचा मैं अपना कारोबार बंद कर दूं तो जो प्रॉफिट्स बांटे जा रहे होंगे वो डिविडेंड है और जो ओरिजिनल कैपिटल वापस हो रहा है वो डिविडेंड नहीं है कंपनी ने सोचा मैं अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो बांटूं और कैपिटल भी वापस करूं क्योंकि मैं अपने ऑपरेशन आधे करना चाह रही हूँ रिडक्शन ऑफ कैपिटल अगर मिसाल भूल गई है तो ये हमने की थी हमारा कैपिटल था 200, आधा कैपिटल वापस कर दिया हमारे प्रॉफिट्स थे 40, आधे प्रॉफिट्स वापस कर दिए तो डिविडेंड में कितना जाएगा 100 भी और 20 भी है, खाली 20, खाली 20 जाएगा ओके पॉइंट ही बड़ा इंटरेस्टिंग था उसमें यह था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे या कोई एडवांस दे या उसके बेनिफिट के लिए कोई भी पैसा दे दे उसके घर का बिजली का बिल दे दे ये सारी अमाउंट्स आपके शेयर होल्डर के हाथों में लोन समझे जाएंगे या डिविडेंड इनकम समझे जाएंगे लेकिन प्राइवेट कंपनी वो जो कि हमारे लॉ में डिफाइंड है या जो कंपनी लॉ में डिफाइंड है कंपनी लॉ में डिफाइंड है और अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा था इसकी एक्सेप्शन पड़ी थी ई की एक्सेप्शन पड़ी थी ई की एक्सेप्शन पड़ी थी हमने थ्री पॉइंट में वो ये एक्सेप्शन थी कि अगर वो प्राइवेट कंपनी लोगों को देती ही लोन है और अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दे तो फिर ये शेयर होल्डर में डिविडेंड इनकम नहीं होगा और उससे अगली बात पॉइंट एफ ये तो काफी तफसील से डिस्कस हुआ था कि बाहर की कंपनी ने सौ रुपया कमाया उनतीस रुपया टैक्स दिया बाहर की कंपनी ने कहा मैं अपने हेड ऑफिस को तो पैसे भेजने लगी हूं तो खुदा के लिए इसको डिविडेंड ट्रीट ना करो लेकिन हमने इसको डिविडेंड ट्रीट किया था तो हेड ऑफिस को जो उसने पैसे भेजे वो टैक्स काट के भेजे थे जैसे कि लोकल कंपनीज करती हैं पाकिस्तान में और इन द एंड हमने पढ़ा था अगर ये पेट्रोलियम वाली कंपनी है तो पॉइंट फोर की रोशनी में इसको रिलैक्सेशन अवेलेबल है इसका डिविडेंड डिविडेंड नहीं समझा जाएगा क्लियर ओके सो कम ऑन पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री रह गया हमारा और पॉइंट नंबर वन रह गया ऐसा ही है थ्री रहते हैं और वन रहते हैं बड़ी गौर से आपने ये सुनना है जो मैं बताने लगा पहले 2015 को देखें 2015 में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को उधार दिया कितने मिलियन प्राइवेट कंपनी नोट करने का टाइम दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी लोन ऑफ रुपीज टेन मिलियन टू आ शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दस मिलियन का लोन दिया जब प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दस मिलियन का लोन दिया तो मुझे बताएं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये मैंने कॉन्सिक्वेंसिस का लक्ष्य लिखा है दस मिलियन इज डिविडेंड इनकम ऑफ एस स्लैश एच से मेरा शेयर होल्डर है दस मिलियन शेयर होल्डर के हाथों में क्या समझ ली जाएगी डिविडेंड इनकम समझ ली जाएगी अच्छा अगला साल आया तो अगले साल कंपनी ने कहा कि मोहतरम शेयर होल्डर आप तशरीफ ले आए आपके लिए खुशी की खबर है आपके लिए खुशी की खबर है इन 2016 कंपनी अनाउंस डिविडेंड ऑफ रुपीस बारह मिलियन फॉर दिस शेयर होल्डर कंपनी ने कहा आपको हम बारह मिलियन का डिविडेंड देने लगे ये बंदा डिविडेंड लेने गया तैयार होके सूटेड बूटेड तैयार होके गया कुल्ला शुल्ला पहन के और कंपनी से कहा दो मुझे बारह मिलियन कंपनी ने कहा पहले पुराना दस मिलियन का उधार वापस करो इसने कहा कर दूंगा कंपनी ने कहा कर दूंगा शुंगा का चक्कर नहीं रखा हुआ अभी दो वापस जब इसने वापस नहीं किया तो कंपनी ने वो पैसे काट लिए कंपनी ने वो पैसे आप एक कंपनी से लेने कितने गए बारह कंपनी को देने कितने थे दस तो कंपनी ने क्या किया कंपनी मेड नेट सेटलमेंट कॉन्ट्रा एंट्री का लॉज पढ़ा सुना है कभी चले नहीं भी सुनाओ कंपनी मेड नेट सेटलमेंट एंड पेड सुना टू मिलियन और बेचारे को कितने दिए सिर्फ अब एक तरह का ना उधार वापस हो गया जरा सोचें उधार ही तो हो गया ना अब उधार वापस हो गया अब उधार वापस हो गया अब, 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 अब कंपनी इसको अब लॉ मेकर रिलैक्स करेगा

तो कंपनी लोन काट के अगर डिविडेंड देगी तो फिर खुशकिस्मती है आपके लिए आप बता दें डिविडेंड पूरा समझा जाएगा जो अनाउंस हुआ या जो कट कटा के मिला वो समझा जाएगा जो कट कटा के मिला वो नोट कर लें कितना डिविडेंड नहीं है अब दस अनाउंस कितना हुआ था बारह क्योंकि दस ऑलरेडी डिविडेंड में जा चुका है अच्छा अच्छा साथ साथ नोट कर लिया मरह मैरिज हॉल अच्छा जल्दी जल्दी कल किस किसने छुट्टी की थी हाथ खड़ा करें एक दो किस छुट्टी की थी हाथ नहीं खड़ा किया छुट्टी ना किया करें प्लानिंग रहे करें भाई की ये वाले स्टिकी नोट भी हैं ये छोटे वाले भी हैं ये वाले भी हैं ये वाला वर्जन भी मौजूद है रॉयल्टी डेफिनेशन सुनाओ <laughs> अच्छा मतलब ये होता है कि शशके सिर्फ दिखाने नहीं है याद भी होना चाहिए हाँ अच्छे बच्चे हो आप की बात नहीं करा मैं बाकीों को सबक दे रहा हूँ कमां तीन नू नो नो चलो ठीक है छोड़ो जी मोहतरम क्यों पता नहीं है इमरान खान से पूछो मेरे से क्या पूछ रहे जरी बातें अगर कुल ऐसा हो गया नहीं मेहरबानी आप मेरे पे आसान करते हैं मैं घर जाके अपने बच्चों को बताऊंगा ओके <laughs> <laughs> okay. प्राइवेट कंपनी ने लोन दिया आपने शेयर होल्डर को कितने मिलियन दस में भाई कंटेनर कंटेनर लगे और छंगे मार के आ जाएगा ये इन चक्रों में नहीं आप लोगों ने पढ़ना ठीक है कोई ना कोई पतली गली होती है जहां से बंदा निकल आता है जज्बा होना चाहिए जरा निकल आग घंटा डेढ़ पहले आया करें आप लोग तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दिया कितने मिलियन दस मिलियन जी शेयर होल्डर के हाथों में क्या बन जाएगा डिविडेंड इनकम लेकिन कल कल को एक तरह से डिविडेंट वापस हो गया उस लोन वापस हो गया कैसे वापस हो गया लोन क्योंकि वो लोन कट गया तो अब बचा कुचा डिविडेंड कितना इसको मिला वही दो इसकी डिविडेंड इनकम होगा क्लियर पढ़े जी ना पेड का लफ्स आपके समझने के लिए अच्छा नहीं है तो अनाउंस्ड का लफ्स जरा ज्यादा अच्छा है एनी डिविडेंड अनाउंस्ड अ कंपनी एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट अमाउंट की जगह लोन एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय अ कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट लोन प्रीवियसली पेड को तो काटे दें विच इज प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय बाय कंपनी एंड इज्यूम्ड एस डिविडेंड और क्या समझ लिया गया था डिविडेंड अब इस अंग्रेजी को ना इधर ही बैठे बैठे जरा याद करना है और समझना भी है एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ कितना सेट ऑफ हुआ है बारह दस दस सेट ऑफ कितना हुआ है दिस दस दिस दस बोले ट्राई करें दिस दस दिस दस इज नॉट डिविडेंट दिस दस इज नॉट अ Okay, let's रीड इट आउट अगेन एनी dividend अनाउंस बाय कंपनी अनाउंस तो बारह किया ना लेकिन उसमें से सेट ऑफ कितना किया विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय कंपनी और जब प्रीवियसली प्रोवाइड किया था इसे कहां डाल दिया था डिविडेंड में अब दोबारा डिविडेंड में ना डालो क्योंकि आपने एक तरह का लोन उससे वापस ले लिया ओके पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन एक कंपनी है उसके कैपिटल अकाउंट में पड़ा है सौ रुपया और उस कंपनी के प्रॉफिट्स में पड़ा हुआ है उसके प्रॉफिट्स में पड़ा हुआ है बीस रुपया अब कंपनी ने सोचा कि मैं हो जाऊं लिक्विडेट और मैं बंद हो जाऊं, लेकिन लिक्विडेशन के वक़्त डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स बबलूज ने ये बबलीज शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बबलूज ने शेयर होल्डरों को बुलाया और शेयर होल्डरों को बुला के कहा मोहतराम ये प्रॉफिट इंशाल्लाह अभी बढ़ेंगे क्योंकि हमने कोर्ट में केसेस किए हुए हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे देने हैं अभी वो इंशाल्लाह पैसे दे के जाएंगे तो अभी बड़ा सरप्लस माल आना है परेशान ना हो बड़ा अभी पैसा आना है हमें शेयर होल्डर्स ने दो तीन छः महीने इंतज़ार किया और शेयर होल्डर्स ने कहा यार पैसे तो आ नहीं रहे तो डायरेक्टर्स ने कहा परेशान ना हो कुछ लोग हमारे पैसे लेके भागे हुए हैं जिसकी वजह से हमने फैसला किया कंपनी बंद करने का लेकिन पैसा इंशाल्लाह आ जाएगा अब जब डायरेक्टर्स ने ज्यादा टरखाना शुरू किया ना तो शेयर होल्डर्स ने आके स्पेशली इस बबली ने शेयर होल्डर ने आके मेहनत की खुदा के लिए डायरेक्टर मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ खुदा के लिए डायरेक्टर मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ खुदा के लिए खुदा के लिए तेरी मिन्नत कर रहा हूँ मैं ये ऊपर आ गया है खुदा के लिए तेरी मिन्नत कर रहा हूँ मैं खुदा के लिए तेरी मिन्नत कर रहा हूँ डायरेक्टर डायरेक्टर तुझे मैंने अब गिरा देना नीचे खुदा के लिए जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो दे दे सारे बोले ठीक कहा ठीक कहा ठीक कहा अब अब होगा क्या कि इन्होंने शेयर होल्डर्स ने थोड़ा सब्र का मुजाहरा किया है और इन्होंने कुर्बानी दी है बड़ी ईद से पहले इन्होंने कुर्बानी दे दी है कुर्बानी क्या दी है इन्होंने कोई अगर बड़ी ईद के करीब ये लेक्चर सुन रहे हैं ना तो आप पता नहीं उसको दो दो लेक्चर डेली सुनने पड़ेंगे या तीन दिन तीन तीन ये मुझे नहीं पता अच्छा बड़ी ईद से पहले किसने कुर्बानी दे दी शेयर होल्डर्स ने कुर्बानी दे दी और अपना हक छोड़ने लगे हैं क्या मतलब हक छोड़ने लगे हैं शेयर होल्डर कह रहे हैं खुदा के लिए ये जो एक सौ और बीस रुपए हैं ये हमें दे दो और खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो बाद में जो आया वो तुम्हारा डायरेक्टर्स तुम हमें इन चक्रों में डाल के ये जो हमने लेके जाने हैं पैसे इनको भी लटका रहे हो ऐसा आमतौर पर शेयर होल्डर्स करते नहीं और ना पाकिस्तान में कभी 20-25 साल 30 साल की हिस्ट्री में कभी शेयर होल्डर्स ने पाकिस्तान में ऐसा किया है लेकिन लॉ मेकर लॉ बनाते हुए सारे कवर कर जाता है तो शेयर होल्डर ने एक बंपर ऑफर दी डायरेक्टर्स को कि हम सारा पैसा कुर्बान करते हैं इस बीस के ऊपर जो भी आएगा वो तुम लोग रखना हमें बस हमारा पैसा दो आराम घरों में जाए शेयर होल्डर्स ने जब इतनी बड़ी कुर्बानी की कि अपना हक छोड़ के जा रहे हैं जो मिलने वाला है और मिलने की उम्मीद है लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस किस लेटर से कितने कितने पैसे देने और कोर्ट के जज साहब आजकल पता है आपको दूसरे चक्रों में मसरूफ है तो जज साहब डिसाइड नहीं कर रहे तो ऐसी सूरत में ये सौ रुपया भी घरों में लेके जा रहे हैं और ये बीस रुपए भी घरों में लेके जा रहे हैं जब ये बीस रुपए और सौ रुपए कंपनी लिक्विडेट होने पे ये लोग घरों में लेके जा रहे हैं तो लॉ मेकर कहते हैं इस बीस रुपए को डिविडेंड में ना डालो नॉट अ डिविडेंड लेकिन शेयर होल्डर्स मुंह से एक फिक्रा बोलेंगे इफ शेयर होल्डर्स अग्री वो कुर्बानी दें डेट दे विल नॉट रिसीव सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस प्रॉफिट कब आने हैं अभी अभी तक तो कितने आए हुए हैं बीस फ्यूचर में भी आ सकते हैं कोई लोग पैसे देकर चले जाए तो सरप्लस प्रॉफिट्स को ये इंजॉय करेंगे या छोड़ के जा रहे हैं अगर शेयर होल्डर ये फिक्रा बोल दें तो ऐसी सूरत के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर्स को कि वो डिविडेंड नहीं होगा हालांकि ये ये सूली तौर डिविडेंड बनता है लेकिन लॉ लॉमेकर ने सखावत का इजहार किया जो मैंने आपके सामने जो है वो कंजूसी से लिख के पेश कर दिया नोट करें ये पॉइंट वन है हमारा एक्सेप्शन में, में पॉइंट वन है आप नोट करिए मैं एच टू को पी लूँ जल्दी जल्दी यार थोड़ा इन सी एल भी ले आया थोड़ा लीमू भी चलो चल जल्दी जी भाई ने भाई रिलैक्स हो गए अब हम आगे चलते हैं क्या कहते हैं अंगड़ाई को क्या कहते हैं अंग्रेज अच्छा अच्छा वो लेते नहीं है भाई ठीक <laughs> चलें जी अकलमंद राय इशारा काफी अस्त जी असद भाई अक्लमंद रहा इशारा काफी अस्त की उर्दू करें माइक नहीं है अंग्रेजी करें <laughs> अक्लमंद रहा इशारा काफी अस्त की अंग्रेजी है सॉरी सर अच्छा चले जी डिस्ट्रीब्यूशन कितने की हुई है ट्वेंटी की ऑन लिक्विडेशन कंपनी बंद हो रही थी या अपना कारोबार आधा कर रही थी uh, कारोबार आधा करने पे भी कई दफा हो जाता है अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल वेयर शेयर होल्डर्स हैज नो राइट जब शेयर होल्डर्स का हक हाँ खत्म हो जाए किसमें हक हाँ खत्म हो गया शेयर होल्डर्स का इन सरप्लस एसेट्स ऑन लिक्विडेशन अच्छा ये दो तरह के लिक्विडेशन है एक स्टेप वन लिक्विडेशन होगी जिसमें शेयर होल्डर चले जाएंगे डायरेक्टर रह जाएंगे एक स्टेप टू लिक्विडेशन होगी वो काफी बाद होगी जब कभी कोर्ट का फैसला आएगा और डेटर से पैसे रिकवर होंगे वो फाइनल लिक्विडेशन होगी वो किस टाइम होगी जब डायरेक्टर्स भी कंपनी बंद करके जा रहे होंगे लेकिन जब डायरेक्टर्स कंपनी बंद करके पैसा लेके जा रहे होंगे फिर उसमें किसका हक नहीं होगा शेयर होल्डर्स का हक नहीं होगा तो इसलिए जो दो लिक्विडेशन है ना इनको मैं आपके समझने के लिए इसको मैं कह देता हूं टेम्परे लिक्विडेशन पहली वाली जब शेयर होल्डर जा रहे हैं और इस लिक्विडेशन का नाम आपके समझने के लिए रख देता हूं फाइनल, फाइनल लिक्विडेशन लेकिन एक बार पढ़ लें जरा कितने रुपए बांटे गए बीस रुपए फिलहाल कौन सी लिक्विडेशन हुई है आरजी वजह क्या बनी है क्योंकि कंपनी अपना कैपिटल आधा कर रही है या बंद हो रही है वेयर द शेयर होल्डर हैज नो राइट इन सरप्लस एसेट्स ऑन फाइनल लिक्विडेशन शेयर होल्डर ये मुंह से फिक्रा बोले आज के बाद मैं मर जाऊंगा कंपनी की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा और जो तुम्हें आएगा वो तुम्हारा अगर शेयर होल्डर ये फिक्रा बोल के जाए तो इसको शाबाश देगा और कहेगा तेरे डिविडेंड पे हम टैक्स क्या करने लगे हैं माफ करने लगे हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चले चार चीजें बता दें डिविडेंड नहीं है अगर शेयर होल्डर सरप्लस एसन में पैसा लेने से इनकार कर दें नंबर टू ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है और जिसका कामी लोगों को लोन देने और वो शेयर होल्डर को लोन दे दे तो ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड नहीं है तीसरी बात कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दे दिया वो लोन डिविडेंड में चला गया और कल कला को वो डिविडेंड देने लगी तो लोन से ऑफ हो गया तो जितना ऑफ हो गया वो डिविडेंड नहीं है और पेट्रोलियम कंपनी भी अपने हेड ऑफिस को बाहर के मुल्क में पैसा भेजे तो वो भी डिविडेंड नहीं है अच्छा यार ये इसने वैसे ही ब्रैकेट में बात लिखी है आपको पता है जब कंपनी अपना कारोबार स्टार्ट करती है तो जो शेयर इशू करती है तो अगेंस्ट कैश ही करती है ना लोग घरों से पैसे ही लाते हैं इस लाइन का मतलब ये है जब कंपनी स्टार्ट हुई थी ना स्टार्ट ऑफ बिज़नेस हुआ था कंपनी का ये बहुत पुरानी बात कर रहा है यानी जिस वक्त कंपनी स्टार्ट हुई थी आज तो लिक्विडेट हो रही है ना तो कहते जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो याद रखना शेयर होल्डर घरों से क्या लाए थे पैसे तो आज भी हम उन्हें पैसे वापस कर रहे हैं लेकिन एक वादा ले रहे हैं अनल तो शेयर होल्डर कहते हैं कैश नहीं मेरा घर ले लो मेरी गाड़ी ले लो आमतौर पर शेयर होल्डर घरों से जब कारोबार शुरू होता है क्या लाते हैं कैश लाते हैं हाँ जी हां जी 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 उसके बाद वो हाँ वो नहीं हो नहीं ओके अच्छा भाई अब हम इसको क्लोज करने लगे हैं बस एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट तीन चार जगह आया था ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूमेरिकली इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है वेदर कैपिटालाइज्ड और नॉट लेकिन क्योंकि एफ आर टू में आप इसकी जनरल एंट्री पढ़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आसान है इसलिए इसको जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कंपनी का कैपिटल है सौ रुपया और इसके प्रॉफिट्स हैं तीस रुपये ये प्रॉफिट्स असल में ना अकामूलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं यानी कई सालों के प्रॉफिट्स कंपनी ने सोचा कि मैं क्या करूं मैं एक दो नंबरी करूं और दो नंबरी क्या करूं कि जैसे किसी के पैसे पड़े हों बैंक में अब वो बैंक से पैसे निकलवा के घर में गड़ा खोद के पैसे छुपा दे ताकि एफ को पता ना चले कि मेरे पैसे कहाँ गए तो इस बंदे ने क्या किया इस बंदे ने सोचा कंपनी ने सोचा कि हम एक दो नंबरी करें दो नंबरी ऐसी करें क्योंकि आपको पता है अगर ये कंपनी आज बंद होती है तो तीस रुपये डिविडेंड जाने हैं क्योंकि सौ रुपये तो ओनर को अपना वापस होगा ना और तीस रुपये डिविडेंड में जाने हैं लेकिन इस कंपनी ने सोचा एक दो नंबरी करते हैं कंपनी ने कहा कोई देख तो नहीं रहा कोई नहीं देख रहा तीस को निकाल इधर से पान निकल गया इधर डाल दें तो पांच रुपये उधर तो डाल दिए यानी दिखने में लग रहा है कैपिटल एक सौ पांच है कैपिटल एक सौ पांच है और प्रॉफिट्स इसे कहते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटल में डालना जैसे पैसे बैंक में डालने को कहते हैं कैश बैंकड या बैंक से निकलवाने को कहते हैं कैश विड्रॉन इसे कहते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटल में डालना इसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स कितने हैं कैपिटल में जिनको फेंक दिया कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितने हैं पांच ये कहां से आए हैं प्रॉफिट अकाउंट से आपको पता ना जनरल एंट्रीज में दूसरे अकाउंट को वाली लाइन लिखी जाती है और इधर क्या लिखा जाएगा कैपिटल हालांकि कैपिटल तो लोग घरों से कैश में लाते हैं लेकिन इन्होंने कैश में लाने की बजाय अपने प्रॉफिट को कहां फेंक दिया कैपिटल में फेंक दिया और कंपनी कर दी लिक्विडेट कंपनी कर दी लिक्विडेट अब लिक्विडेट की जब कंपनी तो लोगों को बांटे इन्होंने 105 सौ पांच यहां से और पच्चीस रुपए यहां से बांटे अब जब कंपनी लिक्विडेट की तो 105 सौ पांच जमा पच्चीस शेयर होल्डर्स घरों में कितने लेके जाएंगे बताएं बताएं, बताएं जल्दी बताएं यहां से 25 लेके जाएंगे और यहां से 105 सौ पांच लेके जाएंगे तो जब कंपनी लिक्विडेट हुई तो इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कितना किया 130. अब जब 130 डिस्ट्रीब्यूट किया तो इन्होंने कहा कि पच्चीस रुपए हमने यहां से दिए और एक रुपए हमने यहां से दिए तो हुकूमत को जाके इन्होंने कहा कि एक रुपए तो हम इनका सरमाया वापस कर रहे हैं और पच्चीस रुपए हम इनको प्रॉफिट दे रहे हैं इसे हुकूमत आप कहां डाल दो यह कंपनी ने करने की कोशिश की लॉ मेकर ने इसको जो है वो पकड़ा और लॉ मेकर ने पकड़ के कहा कोई होश के नाखुन ले आप सौ रुपया ये वाला वापस कर रहे हैं और पांच रुपए आप वो वाले वापस कर रहे हैं जो वहां डाले हैं आपने और बकाया आप उसे पच्चीस वापस कर रहे हैं ये जो पांच आप उसे वापस कर रहे हैं ये आपके ये आपका कैपिटल है सौ रुपया ये आपके कैपिटलाइज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है और ये आपके अनकैपिटलाइज तो लॉ मेकर कहते हैं भाईजन इन दोनों को जमा करो क्या जवाब आ गया नौ तीस इज योर डेविडेंड डेविडेंड में कैपिटलाइज और नॉट दोनों किस्म के प्रॉफिट आएंगे तो अगर आप ये दो नंबरी करने की कोशिश करें तो लॉमेकर आपको पकड़ लेगा और पकड़ के कहेगा मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता और आपका स्टिल डिविडेंड आके वहां कहा खड़ा हो गया तीस रुपए पे या पच्चीस रुपए पे तीस रुपए पे तो इस दो नंबरी करने का आपको फायदा नहीं हुआ नोट कर ले कैपिटलाइज प्रॉफिट कितने हैं पांच अनकैपिटलाइज पच्चीस ये ना अब किस पॉइंट का है ये चार पांच पॉइंट में है ये जनरल बात है ये में भी लिखा हुआ है टू में भी लिखा हुआ है थ्री में भी लिखा हुआ है फोर में तीन चार जगह लिखा हुआ है तो इसके ऊपर हेडिंग दे, दे दें वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाए ऊपर वेदर कैपिटलाइज और नॉट ये इसकी हेडिंग है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट और फिर नीचे नोट करना शुरू कर दें के विल यू टेक एन अदर टू आवर्स फॉर नोटिंग इट डाउन शॉप प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेल होती है और खर्चे होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल हो या जो मर्जी खर्चे हों खर्चों को क्या कहते हैं डिडक्शंस अच्छा आ, ये लफ्स किसी को याद हो तो हाथ खड़ा कर दें उस क्लास में से तो किसी ने नहीं, नहीं खड़ा किया जी दो दो तीन चार चार लोगों ने खड़ा किया ये लफ्स इस क्लास में से किसी को याद हो चार उधर से एक इधर से जी बताएं क्या लफ्स है, है ये किस चैप्टर में ठीक है हाँ बिल्कुल डेप्रिसिएशन की बहन है ये इनिशियल अलाउंस ये आपको बताया था डेपियन की बहन है और ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है ये इनिशियल अलाउंस है आप अंडरग्राउंड क्यों हो थोड़ा सा ऊपर होकर बैठो अच्छा तो ये डेप्रिसिएशन की बहन है इनिशियल अलाउंस ठीक है यानी मुझे नज़र कि आप भी क्लास में हो तो ये ना डेप्रिसिएशन की एक और डेप्रिसिएशन की बहन है इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बिजनेस के चैप्टर में तो ये भी एक तरह का खर्चा है अच्छा अदर इनकम वगैरह अगर हमें कोई आए हमारी सेल के अलावा तो वो ऐड होती है लेस होती है ऐड होती है मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाले तो माफ़ करते हैं मैं अकाउंटिंग वालों की बात कर रहा करूँ अकाउंटिंग वाले तो इनकम में डालेंगे ना मानजोस बेचे मैंगो बेचे कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट तो ये एग्रीकल्चर इनकम है सेल आपकी सौ रुपये खर्चे आपके दस रुपये डेप्रिसिएशन आपकी पाँच रुपये अदर इनकम आपकी छः रुपये टोटल कितना हो गया नाइन्टी वन इस नाइन्टी वन को प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं या अकामोलेटेड प्रॉफिट कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं अकमोलेटेड प्रॉफिट कहते हैं या इसको रिजर्व भी कहते हैं क्या कहते हैं रिजर्व भी कहते हैं आप जाएं एकोमोलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन है उसके ऊपर जगह खाली है डिविडेंड के सफ़े पे डिविडेंड के सफ़े पे टॉप पे जगह खाली है राइट साइड पे यहाँ आराम से जाके ये पीएनएल बना लें बहुत जगह है दिल में जगह होनी चाहिए गाड़ी में आठ वंडे भी बिठा लेते हैं लोग मोटरसाइकिल पे तो पांच छह आप भी बैठे होंगे कभी जल्दी करें स्टिकी नोट साथ वाले से उधार मांग रहे हैं भाई स्टिकी नोट अपने अपने ओके okay. इधर देखें रिजर्व आर मेड अप ऑफ चले मैं बोल देता हूं दोबारा रिजर्व आर कि क्या जमाने डेप्रिशिएट हो जाती हैं बोला करें रिजर्व आर मेड अप ऑफ डिडक्शंस अलाउंसेस एंड एग्जैमट इनकम रिजर्व आर मेड अप ऑफ मिल्क शेक इज मेडा पॉफ शुगर मैंगो मिल्क आइस वाटर तो मिल्क में होता है ना, ना। अच्छा तो रिजर्वज आर मेडा पॉफ बब्लू इज अच्छा जी ये तो दूसरी क्लास वाला आ गया है ओहो चलें खैर है

ऑनलाइन वाले जूम मीटिंग में आके सर याद नहीं हो रहा ये इधर बैठे हुए किसी के साथ है मसला जरा हाथ खड़ा करें अच्छा इधर बैठे हुए किसी के साथ नहीं है चलो ठीक है फिर उनसे जूम मीटिंग में डिस्कस करूंगा क्या करें इसका किस किस के साथ ये मसला है अच्छा आप ये कहते हैं कि यार मुझे याद नहीं हो रहा और ये मसला है और वो मसला है तो ये कैसे याद होगा और क्या होगा अच्छा आप ही की तरह के लोग पिछले अटैम्प्ट में भी थे दो आंखें दो कान एक दिमाग और पता चला पास भी हो गए हैरानी की बात तो ये पास भी हो गए तो वो अब इसी तरह वो वो भी कहते होते थे हमें याद नहीं हो रहा लेकिन ये मतलब नहीं था कि याद करते नहीं थे कोशिश करते थे तो कोशिश करते रहें करते रहें लगे रहें लगे रहें जो बंदा याद करेगा कुछ ना कुछ पेपर में याद आ जाएगा और ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ आप भी अपना तजर्बा क्लास के बाद आकर बताइएगा मेरा तजर्बा ये रहा है कि बंदे को पेपर देने से पहले लगते हैं कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन पेपर देने बैठते हैं ऐसा याद आना शुरू होता है कि बॉल पेंट रुकती नहीं दो दो तो सभी बंदा भर जाता है होता है ऐसा कितने लोगों का शायद ऐसा होता है तो ये वही वही लोग हैं तकरीबन जिन्होंने कहा था याद नहीं होता अच्छा तो इसलिए मोहतरम मेरी बात सुने कि ये ऐसी बात नहीं है कि याद आप कर रहे हैं और याद हो नहीं रहा कहीं ना कहीं मेमोरी में, में सेव हो रहा है और इंशाल्लाह अगस्त में देखें वो जो केसीट आपकी चलनी है आपको कैसे याद होना शुरू होगा तो इसलिए हिम्मत करें याद करते रहें आप बस जितना याद कर सकते हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक याद करें और छः घंटे या सात घंटे आप दिन में दें हर सब्जेक्ट को दो दो घंटे इतना आप कर सकते हैं इतना करें ताकि आपको साथ साथ याद होता रहे इंशाल्लाह फिर आखिरी दिनों में रिवाइज़ करने का टाइम भी मिल जाएगा ओके और बड़ी ईद पर तो बड़ा टाइम मिलेगा रिवाइज़ करने का वैसे सुबह वाली क्लास से बात हुई थी बकरे इधर ले आएंगे ये सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का मैदान है कसाई लाने की जरूरत नहीं छुड़ियाँ घरों से ले आएंगे और एक दो ऊँट कर लेंगे साथ ठीक है दोपहर तक इनशाला फ़ारिग हो जाएंगे ज़िबह करके शाम तक इन शह खा लेंगे ईशा के बाद क्लास हो जाएगी अगले दिन सुबह आ जाएंगे ओके अकमुलेटेड प्रॉफिट्स घर वालों को नहीं लेके आना अकाम प्रॉफिट्स

तो ये शेयर होल्डर्स को बांटनी तो पड़ती है ना ये नहीं होता कि कंपनी के एग्रीकल्चर इनकम कमाया इस इसे टैक्स माफ है तो ये शेयर होल्डर को बांटेंगे नहीं क्या शेयर होल्डर को एग्जेंट इनकम बांटी जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जाहिर बात है शेयर होल्डर घर लेके चले जाते हैं पैसा और ये पूरा पैसा लेके जाते हैं या टैक्स भी इस पर देते हैं पूरा, पूरा पैसा लेके चले जाते अच्छा ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ अकोमोडेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं एक साल के या ऑल ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स याद करने ऑलमोस्ट ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू दिस्ट्रीब्यूशन और ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू दिक्विडेशन असल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकामोलेटेडिएशन आपने एक अकाउंट पढ़ा होगा अकामोलेट्रीशन अकाउंट को तब तक अकामोलेटेड कहते रहते हैं जब तक एसेट बिक ना जाए और अगर एसेट बिक जाए तो अकोमोलेट अकाउंट का बैलेंस जीरो आ सकता है

जब तक डिविडेंड बांट ना दे और जब डिविडेंड बांट दें तो अकॉमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस एकदम गिर जाएगा जीरो तो नहीं आता एकदम गिर जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो अकॉमुलेटेड प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स कब तक कहने जब तक बांट ना दे और जब बांट दें तब उनका नाम क्या पड़ जाएगा डिवी हल्का सा कॉन्सेप्ट है ब्लू वाली लाइन याद कर लें ऑल प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ बांटना विल बी कॉल्ड एज अकाम प्रॉफिट्स और आगे ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द दंपनी दो किस्म की होती हैं एक वो कंपनी होती है जो प्रॉफिट बांटती रहती हैं और चलती रहती हैं इसे गोइंग कंसर्न कहते हैं प्रॉफिट बांटती रहती हैं और चलती रहती हैं एक वो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट बांटती रहती हैं लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड आता है वो सोचती हैं हम कारोबार बंद कर दें तो उन कंपनीज के लिए भी डेफिनेशन सेम रहेगी जब तक कारोबार बंद ना कर दो तब तक प्रॉफिट्स का नाम Account. और जब कारोबार ही बंद कर दो तो फिर उस पैसे को बांट दो वो डिविडेंड बन जाएगा तो ये दो डेफिनेशन है रनिंग कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगी और जो कंपनी कारोबार बंद करके जा रही होगी उसके लिए लफ्स लिक्विडेशन का दो लफ्स याद करें ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू डिस्ट्रीब्यूशन और नीचे वाली ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द लिक्विडेशन दिज ऑल विल बी कॉल्ड एज अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग इनकम्स एंड गें ट्रस्ट इंक्लूडिंग इनकम्स एंड गेंस ऑफ अ ट्रस्ट ट्रस्ट आपको याद होगा हमने कहा था एक इदारा होता है दो तीन एक्सपर्ट होते हैं और चार पांच बंदे होते हैं शायद अफरीदी अफरीदीजमाम वो घर से पैसा ला के देते हैं और ये लोग उस पैसे पे प्रॉफ़िट कमाते हैं तो ज़हरी बात है वो प्रॉफिट भी इन्होंने शेयर होल्डर्स को बांटना ही होता है तो इनकम्स एंड गेंस ट्रस्ट के भी प्रॉफिट्स ही होते हैं और आम इदारों के इनकम्स एंड गेंस भी प्रॉफिट्स ही होते हैं तो ये ब्रैकेट में उसने ऐसे ही याद करा दिया आपको कि ट्रस्ट भी प्रॉफिट कमाता था और किसको बांटता था अपने शेयर होल्डर्स को बांटता था अच्छा अब याद करने वाली जो चीजें आज वो सिर्फ पांच छह हैं छोटी छोटी सी उनको इधर ही बैठे बैठे जरा याद कर लें फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी डिविडेंड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी Where shareholder has no right of surplus asset. <laughs> Any dividend announced by company? announced by company. which is set off. Any dividend announced by company which is set off against the loan previously provided by company and assumed as mm -hmm. dividend. Or uh, accumulated profits. Accumulated profits. Profits are made up of प्रॉफिट्स का नाम रिजर्व है ना प्रॉफिट्स आर मेड अप ऑफ अलाउंसेस डिडक्शन एंड एग्जाम इनकम ऑल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ ऑल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन इंक्लूडिंग इनकम्स एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट इंक्लूडिंग इनकम्स एंड गेंस ऑफ अ ट्रस्ट ओके इधर आए नो मेडिकल में आपको एक सवाल होमवर्क में दिया था सैलरी के चैप्टर का वो कितने लोगों ने कर लिया था एम्प्लॉज स्कीम आसान था हो गया था जाए। जाए। ओके अच्छा मुझे ये, ये बताएं कि यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये जो नुमरिकल है सगीर वाला क्या ये सगीर ने नमेरिकल अपने वालिद साहब को और अपने बच्चों को और अपनी बेगम को दिखाने के मैंने सॉल्व कर लिया फिर क्या करना है इसको एफ को जमा करवाना है जब एफ को ये नुमेकल जमा करवाने जा रहा होगा तो इस सफ़े का नाम क्या होगा रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न ऑफ इनकम तो ये सफा जब आप जाके हुकूमत को जमा करवा देते हैं along विद ऑल वर्किंग्स तो इस सफे का नाम क्या बन जाता है रिटर्न ऑफ इनकम तो ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है पाकिस्तान में ये किस किस ने जमा करवानी होती होगी जरा सोच के बताएं इंडिविजुअल ने जमा करवानी होती होगी ए yes, ने जमा करवानी होती yes, होगी yes, जिनकी साल की इनकम चार लाख से ज्यादा है ये तो पता है ना आपको yes. क्योंकि जीरो से चार लाख वाले ने टैक्स yes. जमा नहीं करवाना जीरो से चार लाख वाले ने टैक्स जमा नहीं करवाना क्या कंपनी ने रिटर्न जमा करवानी होती होगी yes. जी बिल्कुल कंपनी ने अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया ये सिक्योरिटीज के ऊपर हमने टैक्स जीरो निकाला था और सिक्योरिटीज का गेन नहीं आ रहा था क्या आ रहा था लॉस आ रहा था तो एक हमने नोट डालना था न्यूमेरिकल के नीचे ज़रा जाके देखिए न्यूमेरिकल नीचे जगह है मादरत के नीचे जाके एक नोट डालना था कैपिटल गेन के चैप्टर में हमारी सिक्योरिटीज पे कितना लॉस आ रहा था पैंतीस हजार आ रहा था ना कल इस पैंतीस हजार का क्या करना है ये आपको याद होगा किताब का पेज नंबर टू थर्टी लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन करंट ईयर 2020 का साल था ना हमारा

अगर अगले साल छत्तीस हजार का प्रॉफिट आ जाए तो अगले साल टैक्स छत्तीस हजार पे देंगे या छत्तीस हजार माइनस पैंतीस हजार पे तो एक नोट डाले नो में लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग वन पॉइंट वन थी हाँ लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग वन पॉइंट वन कोई नहीं आप भी डालें ये नोट सारे डाल लें लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग वन पॉइंट वन अमाउंटिंग टू रुपीज loss on securities in working 1.1 amounting to rupees 35000 amounting to rupees 35000 will be carried forward to next 3 years any 2021 22 or will be carried forward to next 3 years And will be set off only against and will be set off only against gain from any other security. And will be set off only against gain from any other security. security. वापस आ जाएँ जो हम बात कर रहे थे जिते दी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अबू बकर इधर तक कवर करें उधर से तो कोई बात नहीं करा मैं पाकिस्तान में रिटर्न ऑफ इनकम किस किस ने जमा करवानी है इंडिविजुअल ने ए ने और कंपनी ने नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी रिटर्न जमा करवानी है हाँ नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी रिटर्न जमा करवानी है नॉन प्रॉफिट इदारा शायद टैक्स जमा ना करवाए लेकिन वो हुकूमत को बता दे कि इतना इस साल मुझे चंदा मिला नॉन प्रॉफिट इदारे को इतना चंदा मिला तो नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी अपनी रिटर्न जमा करानी है नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है अभी जिस बंदे के पास गाड़ी है वो भी अपने रिटर्न जमा करवाए वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाए जिस बंदे के पास फ्लैट है वो भी अपने रिटर्न जमा करवाए जिस बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई घर है कोई ज़मीनें हैं वो भी क्या जमा करवाए अपनी रिटर्न जमा करवाए तो कुछ लोगों की अब हम लिस्ट पढ़ने लगे हैं लॉ में जिन्होंने हुकूमत को क्या जमा करवानी है अपनी रिटर्न जमा करवानी है अच्छा जिस बंदे को लॉस आए इस साल वो भी रिटर्न जमा करवाया अपनी yes, लॉस आए लॉस yes, एक बंदा है वो कहते हैं मैंने इस साल सिक्योरिटीज बेची हैं और मुझे पैंतीस हजार का लॉस आया इसके अलावा मैंने और साल पूरा साल कुछ भी नहीं किया सगीर ने तो काफी कुछ किया था ना तो वो बंदा कहते हैं मैंने सिक्योरिटीज बेची हैं मुझे पैंतीस हजार का लॉस है इसके अलावा मैंने पूरा साल कुछ भी नहीं किया ये क्यों जाके हुकूमत को अपने रिटर्न जमा करवाए इसको तो लॉस आया इसने टैक्स जमा नहीं करवाना तो हुकूमत को रिटर्न यानी एक सफा सा जमा क्यों करवाए हाँ, हुकूमत को जाके साबित करेगा मेरा जातीस हजार है हुकूमत उस साइन करेगी हां ये पैंतीस हजार ही लॉस है हम इसे मानते हैं फिर इसे इजाजत होगी कि अगले तीन साल में से किसी भी साल इसको क्या कर ले माइनस कर ले तो लॉस वाले ने भी क्या जमा करवानी है रिटर्न जमा करवानी है चैप्टर पंद्रह निकालें चैप्टर पंद्रह हमने पूरा नहीं करना चैप्टर पंद्रह सिर्फ हम चार पाँच दिन करेंगे और उसके बाद हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस का चैप्टर शुरू कर देंगे चैप्टर पंद्रह जरा साथ साथ आपने याद करना है बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है अच्छा एक सेक्शन है जो आपके सिलेबस से निकल चुका हुआ है सेक्शन नंबर 207 बहरहाल इसमें हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में कौन सी हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है भाईजान कमिश्नर का भी एक बाप होता है उसे कहते हैं चीफ कमिश्नर इसके बाद कमिश्नर को क्या कहते हैं कमिश्नर ये जो इनलैंड रेवेन्यू है ना लफ्स इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसका मतलब है पाकिस्तान की सरजमीन का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ये लोग तो इनलैंड रेवेन्यू का लफ्ज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे हाइएस्ट अथॉरिटी एफ बी आर एफ बी आर के बाद चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर के बाद कमिश्नर इसके बाद ना ऑफिसर्स हैं ऑफिसर्स हालांकि आपको पता है असल तो अफसर ये हैं, लेकिन इन्हें भी खुश करने के लिए हम अफसर कह देंगे ऑफिसर्स ये कौन से हैं है ये जी एडिशनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और सबसे जूनियर कमिश्नर का नाम क्या है जूनियर कमिश्नर नहीं, जो जूनियर कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर तो ये जी हरारकी है हाइएस्ट अथॉरिटीज फिर ये चीजें याद कर लिया चीफ कमिश्नर फिर कमिश्नर कमिश्नर फिर फिर एडिशनल फिर, डिप्टी कमिश्नर ये वैसे को याद करनी आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन एक दो जगह तो से बता रहा हूं जज साहब है ना, ये कोई हैं, अगर कोई फटाफु हो जाए तो इसलिए अपील्स का चैप्टर अलग से होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया किसने जमा करवानी है ये मैंने आपको बता दिया पढ़ लें एक दफा रिटर्न ऑफ इनकम किस किसने जमा करवानी है द फॉलोइंग आर टू फर्नीचर इन इन लोगों ने पाकिस्तान में रिटर्न जमा करवानी है नंबर वन एवरी कंपनी एवरी पर्सन अदर देन कंपनी ये कौन लोग होंगे हा इंडिविजुअल्स और ओके लिख लिया देखें सात वाले ने बड़ा कमाल कर दिया है तो सात सौ सा चैप्टर पता इसने याद करना है जबरदस्त होगी वरी पर्सन अदर देन कंपनी मीन इंडिविजुअल और सालाना इनकम एक्सड रुपीज चार लाख अगर एक बंदा कहता है मैं पापड़ बेचता हूं और मैं तीन लाख कमाता हूं पापड़ बेच के तो इसनेकूमत के एफ बी आर के दफ्तर का मुंह नहीं करना डन नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी क्या जमा करवानी है रिटर्न जमा कर एवरी पर्सन हूज इनकम फॉर द इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स डिविडेंड इनकम डिविडेंड इनकम जिसकी इनकम फाइनल टैक्स बन जाती है उसने पंद्रह परसेंट टैक्स भी जमा करवाने और हुकूमत को एक सफा भी जमा करवाने के मैंने डिविडेंड कमाया है अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग और समझने वाला पॉइंट है ये पॉइंट नंबर वन जी बिल्कुल जो 2010 में एक बंदे ने 9 लाख कमाया मुझे बताएं ये बंदा जिसकी इनकम 9 लाख है ये बंदा टैक्स जमा कराएगा सही बात है चार लाख से ज़्यादा है और एक सफ़ा जमा करवाएगा हुकूमत को कि मैंने इतनी इनकम कमाई और उसकी डिटेल इतनी है कैपिटल गेनिंग इतनी है बिज़नेस इतनी है जमा कराएगा 2011 में इसी बंदे ने बारह लाख ,00 कमाया टैक्स जमा करवाएगा रिटर्न जमा करवाएगा 2012 में 2012 में इस बंदे ने 3.8 लाख ,00 कमाया बेचारे ने कम कमाया चार लाख ,00 से कम कमाया टैक्स जमा करवाएगा लेकिन हुकूमत कहती है एक सफ़ा जमा आके करा दो देखने में तो आपको लग रहा है चार लाख ,00 से कम कमाया सफ़ा जमा नहीं कराना समझ नहीं है बात देखने में लग रहा है चार लाख से कम कमाया सफ़ा जमा नहीं कराना लेकिन मैं और बात करने लगा लगाऊँ मैं कह रहा हूँ ये सफ़ा जमा कराए क्योंकि हुकूमत इंतज़ार में बैठी होगी ना पिछले साल बारह लाख जमा करा के बारह लाख कमाया था तो इस साल पता नहीं कितना कमाया होगा तो हुकूमत को बताएं यार मेरे हालात माड़े हो गए हैं मैं टैक्स जमा नहीं करा रहा लेकिन मैं कांगड़ी पलवानू में रिटर्न जमा करवा रहा हूँ अब दो हज़ार तेरह में बेचारे ने थ्री पॉइंट सेवन लाख कमाया टैक्स जमा करवाएगा लेकिन हुकूमत को बता दें यार बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और मैं रिटर्न जमा करा देता हूँ रिटर्न क्या होगी एक सफ़ा होगा जिस पर लिखा होगा मैंने थ्री पॉइंट सेवन कमाया लेकिन मैं टैक्स जमा इसलिए नहीं करा रहा कि मेरी इनकम साल की चार लाख से कम है दो हज़ार चौदह में इसने थ्री पॉइंट टू कमाया टैक्स जमा करवाएगा हुकूमत ने कहा सफ़ा ना लेके आया कर ना आया कर हर साल सफ़ा लेके आया होते पता नहीं क्या तूने अब असूल सुन लें क्या असूल है जो जो दो साल में से किसी भी साल टैक्स जमा करा दे तो पिछले दो साल जो पिछले दो साल में से किसी भी साल टैक्स जमा करा दे तो अब इस साल आके रिटर्न भी जमा करवाए समझिए जरा इधर मैं खड़ा हूं 2012 मैंने छुपा दिया 12 में 3.8 लाख कमाया इस बात को छोड़ें मुझे बताएं मैं 2012 में खड़ा हूं पिछले दो साल में से किसी भी एक साल या दोनों साल में मैंने टैक्स कर yes, कर तो जमा करवा दिया अब चाहे इस साल टैक्स जमा नहीं भी करवाना तो yes, रिटर्न जमा करवाएं अब मैं 2013 में खड़ा हूं माना कि मैंने इस साल टैक्स जमा नहीं कराना लेकिन मुझे बताएं पिछले दो साल में से किसी एक भी साल मैंने टैक्स जमा करा दिया तो इसलिए हुकूमत शायद मेरे इंतजार में बैठी हो तो जाए और जाके रिटर्न जमा करवाएं इधर खड़े हो पिछले दो साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा करवाया किसी एक साल भी टैक्स जमा नहीं करवाया तो अब आप हुकूमत को भी भूल जाएं कि आपका इंतजार कर रही होगी अब आप जाके रिटर्न भी जमा तो जो बंदा पिछले दो साल में से किसी एक साल भी क्या जमा कराए तो उस साल उसे रिटर्न जमा करवाना जरूरी है नोट कर लें ये कौन सा पॉइंट है ना 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 पुत्र ये मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट है ये सेक्शन 114 में वन के बी का वन है वही वाला पॉइंट है ना और इसका पूरा तरीका सुने आता सा, सारे चेहरे ऊपर रखें चेहरा शरीफ आज ऊपर रखें सब क्लॉज वन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 114 चौदह ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान ऑफ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स से तो कोई नहीं आया हुआ फिर साधा कर लेते हैं सब क्लॉज वन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन एक सौ चौदह इतना सा काफी था वैसे बाकी चाहे आप नोट कर लें जो बंदा पिछले दो साल में से किसी एक साल में टैक्स जमा कराए तो फिर इस साल आके रिटर्न जमा करवाए कल तक कर लेंगे नोट मेहरबानी किताबें नई ले ली हैं जब पुरानी है नहीं ले लें ऐसा ना हो कि मुझे नई बांटनी पड़े मुस्कुराहट आई है कुछ लोगों के चेहरे पे उधर और कुछ आपको पूरा लैपटॉप ही साथ ना दे दूँ पीडीएफ के तो अच्छा ठीक है प्रिंसिपल साहब से बात कर लो इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात कर लो पूछ लो उनसे कि वो बुकें पीडीएफ में देनी है उन्होंने बच्चों को अच्छा अच्छा जी आप मुझे सवाल का जवाब दे दें पिछले दो साल में से किसी एक साल भी टैक्स करा तो जमा कराया तो रिटर्न जमा कराए पिछले दो साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा कराया आप इधर ना देखा करें पिछले दो साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा कराया तो क्या करें रिटर्न जमा करें, पिछले दो साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा करवाया अब ना अब आप रिटर्न भी जमा ना करवाओके पर्सन अगर तो आप पढ़ें जरा बीन चार्ज कॉन्डालाइन करके पेड लिखें आप पढ़ें कितना आसान फिक्रिया टैक्स बीन चार्ज टू कॉन्डालाइन करके पेड अ परसन पेड टैक्स इन एनी ऑफ द टू पिछला साल अ परसन ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना इसकी जगह जरा पेड का लफ्स पड़े तो इंग्लिश लगेगी अ पर्सन हु हैज पेड टैक्स अच्छा। इन एनी ऑफ द टू पिछला साल अच्छा जी सिक्योरिटीज का लॉस कितना आया था पैंतीस हजार ये लॉस का आपने दावा किया था कि मेरा दावा किया था मेरा लॉस पैंतीस हजार है जार। अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप एक सफे पर लक्की हुकूमत को बता दें जो बंदा अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है और हर बंदा पसंद करता है मैं अपना लॉस क्या करूं कैरी फॉरवर्ड करूं ताकि फ्यूचर में मुझे फायदा मिले तो भी आपको क्या जमा करवाना पड़ेगा रिटर्न कभी आपको म्यूंसिपल के इलाकों में गए हैं कभी कभी देखा लिमिट्स लिखा हुआ है या म्यूंसिपल के इलाके में गए हैं एक दो बंदों ने हाथ खड़ा किया है कभी कंटोनमेंट के इलाके का नाम सुने कंटोनमेंट के इलाके ये जरा ज्यादा लोगों ने सुना होगा अब तीसरे फिर सारे हाथ खड़ा कर दीजिएगा जो हाथ नहीं भी खड़ा करते इस्लामाबाद गए हैं कभी तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जाना जरूरी नहीं पता होना जरूरी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी म्यूनसिपल लिमिट्स में कंटोनमेंट में या इस्लामाबाद में मैं नहीं कह रहा चांद पे सूरज पे या मार्स पे आपका फ्लैट है मैं लंदन के फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं म्यूनिस्पल लिमिट्स में कंटोनमेंट में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इन तीन जगहों पर अगर आपका क्या है फ्लैट या आपकी इमोवेबल प्रॉपर्टी इमोबल प्रॉपर्टी क्या होती है लैंड बिल्डिंग और फ्लैट क्या होता है फ्लैट यानी कि 50 फ्लोर हैं उसमें से 48वें फ्लोर पे आप हैं और उसमें आपने एक फ्लैट लिया हुआ तो फ्लैट तो पूरी बिल्डिंग जो 50 मंजिला हमारा था उसमें से कोई एक आपने बाय किया होगा अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में 500 सो स्क्र यार्ड पांच सौ स्केयर यार्ड बनती है तकरीबन सोलह मरले क्योंकि आपने मरलों में सुना होगा तकरीबन सोलह मरले बनता है जिसकी इन तीन इलाकों में पता नहीं कौन से होंगे को इन इलाकों में, क्या -क्या है वन? या इमोबल प्रॉपर्टी कितनी हो कम से कम साढ़े सोलह मरले शायद ये बनता है कम से कम साढ़े सोलह मरले होनी चाहिए छोटे क्यों लिख रहे हैं फाइव हंड्रेड स्कोर यार्ड पेपर में लिखना है तो कम से कम पांच सौ स्कोर यार्ड या उससे ज्यादा हो या आपका फ्लैट हो इन तीन इलाकों में लेकिन फ्लैट कितना हो पांच स्केयर यार्ड का दस स्केयर यार्ड का सो स्केयर यार्ड का या दो सो का नहीं लिखा हुआ चाहे एक स्केयर यार्ड का उसमें तो वैसे आप रह नहीं सकेंगे थोड़ा तो ज्यादा ही होगा फ्लैट तो चाहे एक लॉ की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो एक स्केयर यार्ड का भी अगर आपका फ्लैट है तो आप पे ये पॉइंट लगेगा आपने क्या हुकूमत को जमा करवानी है रिटर्न जमा कर अच्छा आखिरी बात मुझे बता दें फिर मैं क्लास क्लोज कर रहा हूं यह भी वही लिखा हुआ इमोबल प्रॉपर्टी फाइव हंड्रेड स्केर यार्ड लिखा हुआ है यह भी वही लिखा हुआ है फ्लैट लेकिन दो सौ स्केयर फीट लिखा हुआ है यह तकरीबन तो छह सात मरले बनते हैं स्केयर यार्ड नहीं स्क्र फीट फीट को यार्ड बनाया यार्ड को फीट बनाया पंगा हो जगह पेपर में तो यह स्कोयर फीट लिखा हुआ है लेकिन ये चीजें क्या हैं क्या हो आपके पास कहां पे पर चीजें हों रेटिंग है क्या म्यूनसिपल लिमिट का लफ आपने सुना हुआ था हाथ भी खड़ा किया एक बच्चे ने कंटोनमेंट पे दस बारह हाथ खड़े हुए थे इस्लामाबाद पे सारे हाथ खड़े हुए थे रेटिंग एरिया पे एक माई का लाल भी असर नहीं है क्लास में जो हाथ खड़ा करे मुझे पता है, तुझे पता है <laughs> हाँ। अच्छा तो रेटिंग एरिया पे किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया रेटिंग एरियाज का आपको नहीं पता रेटिंग एरियाज क्या है रेटिंग एरियाज हर शहर में जो महंगे महंगे इलाके हैं जैसे डिफेंस है गार्डन टाउन है गुलबर्ग है डी है तो रेटिंग एरियाज हर शहर के महंगे इलाके बस इतनी सी बात लिखनी है लिख लें आपके स्कोप में नहीं है एक याद रखना है रेटिंग रेटिंग कि उस एरिया की रेटिंग बड़ी ज्यादा है पांच स्टार में से लोग साढ़े चार स्टार पांच स्टार दे रहे हैं इलाका इतना खूबसूरत है अगर रेटिंग एरिया में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही पांच सौरिया मोर वाली या रेटिंग एरिया में आपका फ्लैट है लेकिन इधर फ्लैट की लिमिट है कम से कम कितना हो तो आपने हुकूमत को क्या जमा करवानी है रिटर्न जमा करवानी है ओवर